हाय फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी बजाज चेतक 99। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चेतक से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। आपको बस कमेंट करना है या मेरा इंस्टा आईडी है बजाज चेतक 99, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक में वीडियो बना के दूंगा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने स्कूटर का गियर वायर चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि वो टूट गया है। और वो क्यों टूटा मैं आपको ये बताऊँगा, वो टूटा क्यों, क्या कारण है उसका टूटने का, हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए, और ये भी दिखाने वाला हूँ कि आपको गियर केबल कैसे चेंज करना है, हमको पता कैसे चलेगा कौन सा केबल टूटा है क्या है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा एक एक हर एक नॉलेज दूंगा आज मैं। तो आज मैं अपने गियर केबल चेंज करने वाला हूँ। इनर बता दूँ आपको, इनर जो है उसको चेंज करूँगा, आउटर तो नया है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे टूटा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर का जो लॉक रहता है, बॉक्स रहता है, उसको मैं ओपन कर चुका हूँ। ये देखिए, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये केबल टूटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये टूट गया है। और ये क्यों टूटा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो गियर है, गियर का जो हैंडल है, उसमें थोड़ा प्ले आ गया, प्ले था, तो मैं सोचा कि उसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एडजस्टिंग स्क्रू दिया हुआ है, एडजस्ट करने के लिए स्क्रू दिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा टाइट किया, और टाइट करने के बाद मैं एक काम और किया था जो आप देख रहे होंगे अंदर, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाले स्क्रू को भी मैं टाइट किया, और शायद मुझसे ज़्यादा टाइट हो गया, और टाइट होने के कारण ये तार कट गया। ये देखिए, तो आपको मैं बता दूं कि इसको ऐसा सेट करना है, नॉर्मल रहे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, या एक साइड को आप टाइट मत करिए। अगर टाइट करते हैं तो दोनों को मतलब बराबर टाइट करें, इक्वल टाइट करें। अगर आप एक साइड ज़्यादा करेंगे तो उस एक तरफ लोड पड़ेगा, उसके कारण ये तार कट सकता है। तो आज मैं इसी को चेंज करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो एक और बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको तो पता चल गया ये वाला तार कटा है, लेकिन आपको हैंडल मतलब हेड के पास से कैसा पता चलेगा कि तार कौन सा कटा है? तो समझ में आ चुका है कि ये जो लगा है फर्स्ट गियर, जब आप लगाते हैं तो ये वाला तार खींचता है, ये ऐसे आता है, और सेकंड थर्ड फोर्थ ये जाता है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ गियर लगाने वाला जो केबल है वो टूटा है। तो चलिए मैं ऊपर हैंडल में आपको समझाता हूँ। ये देखिए, हैंडल है, फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, मतलब ये देखिए, ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और सेकेंड थर्ड फोर्थ जा रहा है, मतलब ये देखिए, मतलब एक केबल यहाँ होता है, एक केबल यहाँ होता है, यहाँ पर ना। तो अब हमको ये पता चल गया कि सेकंड थर्ड फोर्थ गियर वाला केबल टूटा, मतलब ये ऐसा चढ़ रहा है, मतलब अंदर का केबल टूटा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि आपका कौन सा केबल टूटा है। तो उसके लिए अपने को ये इनर के लिए हमको ये चेंज मतलब खोलना पड़ेगा, और ये हेड खोलना पड़ेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा फर्स्ट गियर बाहर वाला अगर केबल टूटता तो हमको ये सब ओपन करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अंदर वाला टूटा है तो हमको ये भी ओपन करना है और हेड भी ओपन करना है। तो चलिए जल्दी से मैं ओपन करता हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं सामने का जो हेडलाइट वाला पोर्शन है उसको मैं ओपन किया हूँ, और इसको निकालने के बाद आप इसको एक सेफ़ जगह में रखें, जैसे मैं वहाँ सेफ़ जगह में रख चुका हूँ उसको। अब फ्रेंड्स, अपने को करना है ये जो स्पीडोमीटर है इसको ओपन करना है। तो इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि उसको कैसे ओपन करना है, कितने सावधानी से ओपन करना है, तो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। और चलिए, मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, तो मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ। आपको इसको बहुत ही सावधानी से ओपन करना होता है। तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बाहर आ चुका है, और ये पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं इसका वायरिंग किया था तो इसको मैं डायरेक्ट लगाया हूँ, इसमें कोई भी सॉकेट का यूज़ नहीं किया हूँ। तो ये मैं यहीं पर रखने वाला हूँ इसको, और एक कपड़ा लगा दूँगा जिससे स्क्रैच ना आए। और मैं आपको बताता हूँ, तो ये देखिए जो केबल दिख रहा है आपको, ये देखिए, अपने को ये वाला केबल चेंज करना है। ये देखिए, एक ये है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये दिख रहा है आपको जो बाहर का है। अगर ये टूटता है तो हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर टूटता है, ये वाला,
तो हमें ये स्पीडोमीटर ओपन करना पड़ता है। तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप लिंक से आप देख लीजिएगा इसको कैसे ओपन करना है। और अब मैं जल्दी से ये तार को निकालता हूँ और जो नया मैं लेके आया हूँ आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये है गियर वायर आपको दिख रहा होगा, इसका प्राइस भी लिखा है आपको दिख रहा होगा, 20 रुपीज़ का है ये। और मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा पहले से बहुत मोटा है, अच्छा है ये। थोड़ा इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये पहले वाले से मोटा भी है। और जो पहला जो इसमें लगा हुआ था वो बहुत ही, मतलब इसके कंपैरिजन वो थोड़ा पतला है। तो आज मैं इस केबल को लगाने वाला हूँ और आपको एक एक करके दिखाऊंगा आपको कैसे इसको निकालना है, कैसे लगाना है, एकदम सावधानी से इसको यूज़ करना है। क्योंकि जो अंदर में जो आप देख रहे हैं वो जो इसका जो क्लिप होता है जो फंसता है, मतलब जो लोहे में देख रहे हैं रॉड पे जो फंसता है वो अंदर ना गिर जाए, तो एकदम सावधानी से आपको इसको ओपन करना होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये केबल, और ये आप देखेंगे उसके कंपैरिजन ये थोड़ा पतला है, वो उसका थिकनेस ज़्यादा है। तो इसको आपको एकदम सावधानी से ओपन करना है क्योंकि आप उसका जो लॉक है देख रहे होंगे वो नीचे के साइड चला गया है। जैसे मैं इसको आपको दिखाता हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वाला जो लॉक है ना, ये देखिए जो इसमें फंसते हैं इस वाले में, तो उस साइड का आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा नीचे चले गया है। तो उसी को आपको सावधानी से निकालना है, उसको आपको एकदम सावधानी से निकालना है, वो थोड़ा नीचे चले गया है। तो कुछ हड़बड़ी नहीं करना है, और अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको एकदम आराम से निकालना है। आप देखेंगे ये यहाँ से अंदर चले गया है, तो इसको आपको थोड़ा सा पुश करना है अंदर की तरफ, थोड़ा अंदर पुश करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम वहाँ से इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे मैं इस तार को हिला रहा हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए जो केबल हिल रहा है, तो यही केबल है। तो मुझे यहाँ पर से किसी चीज़ से पकड़ के उसको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये ऊपर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि जो चूहा है वो परेशान करता था, यहाँ मैं जाली लगाया हूँ जिसकी वजह से थोड़ा ब्लॉक करके रखा है वो। तो यहाँ पर से मुझे थोड़ा सा उसको पुश करना पड़ेगा ऊपर की तरफ ताकि वो ऊपर आ जाए। तो जल्दी मैं करता हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ऊपर की ओर ले आया हूँ, उसका जो लॉक होता है आपको दिख रहा होगा। तो आपको ऐसे करके इसको ऊपर ले आना है, आपको अब दिख रहा होगा। ये देखिए अंदर साइड का जो अंदर वाला जो है उसको ध्यान से देखेंगे ना, ये देखिए आपको अब दोनों दिख रहा होगा, दोनों जो लॉक है वो दोनों दिख रहा होगा। तो आपको ऐसे करके ऊपर ले आना है, फिर उसको आराम से खींचना है। देखिए मैं उसको खींच रहा हूँ, ये देखिए, इसको धीरे धीरे करके आराम से अपने ऊपर ले आना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऊपर लाता हूँ, ये देखिए ये टूटा हुआ केबल है, तो मैं इसको बाहर ले आया हूँ। और तो चलिए मैं अब नया वाला जो केबल है उसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये है नया केबल। तो इसको ग्रीसिंग और ऑयलिंग करना है मुझे, उसके बाद आराम से इसको इसके अंदर डालना होगा। तो इसको मैं ग्रीसिंग और ऑयलिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं घर में आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा। आप हड़बड़ी करेंगे तो आपका काम बिगड़ भी सकता है, तो आप हड़बड़ी मत करिएगा, एकदम आराम से काम करिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए नया केबल है। अगर आप पुराने वाले के कंपैरिजन देखें तो ये बहुत ही, इसका लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है पुराने वाले से। तो इसको कनेक्शन करने के बाद हमें थोड़ा काटना पड़ेगा इसको।
और मेरे पास ग्रीस है, मैं ग्रीस लगाने वाला हूँ। ग्रीस और हल्का सा ऑयलिंग करने के बाद मैं इसको अंदर डालता हूँ। तो चलिए मैं इसको करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं हल्का हल्का ग्रीस लगाया हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, तो इसमें आप ग्रीस लगाइए हल्का हल्का ग्रीस। तो आपको इसको ग्रीस लगाना है, और आप देखेंगे कि देख रहे होंगे, मैं ये धीरे धीरे करके इसको अंदर डालता हूँ। एकदम आराम से करिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको बताऊँ, पहले आपको ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। इसमें आप ग्रीस डालिएगा, उसके बाद धीरे धीरे अंदर डाल दीजिए। तो चलिए इसको मैं पूरा एक बार लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इतना लग गया है, और इसके बाद भी ये कितना, देखिए ये बहुत बड़ा अभी भी, ये देखिए ये इतना है। और आपको नीचे भी दिखाऊंगा, ये देखिए निकल गया है यहाँ से, ये देखिए ये इतना निकल गया, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा है। तो इसको लेंथ थोड़ा बड़ा है, इसको हमको काटना होगा। अब चलिए मैं जल्दी से इसको लगाता हूँ, और लगाने के बाद आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ फिक्स हो गया है अच्छे से, ये लग गया, और आपको लॉक भी दिख रहा होगा, जो लॉक सेट हो गया आपस में। चलिए मैं सामने से भी दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, आपको दोनों लॉक दिख रहा होगा। तो यहाँ से तो सेट हो गया, अब चलिए पीछे से देखते हैं हम इसको। ये देखिए, ये यहाँ पर भी आ गया पूरा। और ये देखिए, इसको भी मैं पूरा टाइट किया हूँ, बाद में हम इसको सेट कर सकते हैं। और ये यहाँ तक रहेगा शायद, इतना मुझे काटना पड़े क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसको मुझे काटना भी पड़ेगा, काटना होगा। तो इसको काटने के बाद मैं लगाता हूँ, और लगाने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं गियर कैसा लग रहा है। तो ये है उसका लॉक, तो इस लॉक को मुझे फिर लगाना है इसमें। तो मैं इसमें से निकालता हूँ क्योंकि ये टूटा वाला है ये, और इस लॉक को मैं फिर उसमें लगाऊंगा। तो आप याद रखिए, इस लॉक को ऐसा टाइट करना है आपको कि तार कटे भी ना। अगर आप ज़्यादा ही अगर टाइट कर दें तो कटने का भी चांस होता है। तो आप इसको इतना ज़्यादा मत करिए, इतना रखिए कि आपके जो गियर है वो ठीक से काम करे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास और भी लॉक है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा इसका हल्का जो साइज़ है बड़ा है उसको लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिट आए, और फिट आने के बाद ये थोड़ा इसमें मूवमेंट भी करे। ये ऐसा लगने के बाद ना, ये मूवमेंट भी करना चाहिए हल्का। अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा तो जल्दी तार कटेगा, अगर ये फिक्स हो गया तो तार जल्दी कटेगा। तो इसको ऐसा रखना है कि ये थोड़ा टाइट रहे, लेकिन ये मूवमेंट करिए हल्का ऐसा ये हल्का ऐसा मूवमेंट करेगा ना जब आप गियर लगाएंगे, तो तार जल्दी नहीं कटेगा। तो इसको थोड़ा ऐसा ध्यान से लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरे स्कूटर में हमेशा होते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं, चाहे क्लच के लिए, गियर के लिए। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको लगाता हूँ, और ऐसा लगाना है कि ये मूवमेंट भी करे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये लग गया अच्छे से। अभी मैं इसको एडजस्ट नहीं किया हूँ क्योंकि ये सही लगा हुआ है, और को थोड़ा हम कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये अच्छे से लग गया फ्रेंड्स। इसको काटने के बाद मैं बॉक्स लगा के आपको फाइनली एक लास्ट वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये पूरा काम हो चुका है मेरा, हेड जो हेड है उसको फिट कर चुका हूँ, स्पीडोमीटर लग गया मेरे गाड़ी का। और अभी आपको गियर दिखा दूँ, ये देखिए ये भी सही है, और आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह लग गया है। आप कभी भी इसको ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग ज़रूर करिए, इससे आपके जो गियर वायर की लाइफ है जो बढ़ जाएगी। ये एडजस्टिंग स्क्रू है, तो इसको नॉर्मल रखिए, ज़्यादा टाइट मत करिए। अगर आप ज़्यादा टाइट करते हैं तो भी टायर जो केबल है उसका टूटने का ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देख के आसानी से अपने घर में जो केबल है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप आराम से करें, सावधानी से करें, आप
अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है आप कुछ से आपको भूल हो जाए और आप डर जाएंगे और आप फिर सोचेंगे अब मैं इसको कैसे करूं क्या करूं। तो आप घबराइएगा मत, आराम से करिएगा, आप ये काम आराम से घर में कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए और ये काम आप आराम से कर सकते हैं घर में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।